और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैं इस समय एक स्टोर के अंदर हूँ। इस स्टोर का नाम है प्रिज्मा और यहाँ के ये बेस्ट सुपर मार्केट में आता है। तो मैं आई हूँ प्रिज्मा स्टोर के अंदर आपको दिखाने यहाँ के फ्रोजन आइटम्स। यहाँ पर बहुत सारे फ्रोजन आइटम्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि बीन्स हो गए और बहुत सारी वेजिटेबल्स कट करके यहाँ पर फ्रोजन मिलती हैं और साथ में रेडी टू ईट फूड भी बहुत सारा मिलता है। तो आज मैं बूस्ट पूरे सेक्शन को विजिट करूँगी, साथ में आप सभी के लिए भी एक वीडियो बनाऊँगी। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लोग जो हैं वेजिटेबल्स फ्रेश लेते हैं, लेकिन मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे लोग इन फ्रोजन वेजिटेबल्स को यूज करते हैं और ये जो है बहुत ही ईजीली और बहुत क्विकली कुक भी हो जाती हैं। तो जो मदर्स ऑफिस में भी वर्क करती हैं, साथ में घर पे भी काम करती हैं, तो वो लोग क्विकली खाना बनाने के लिए यहाँ पर फिनलैंड में इसी को यूज़ करती हैं और बहुत सारे लोग मैंने देखा इसको ख़रीदते हैं। और आगे चलिए आप मेरे साथ आप भी इस पूरे सेंटर को विजिट कीजिए। तो गाइज अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड इफ़ यू आर न्यू वन ऑन माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अबाउट न्यू वीडियोस। सो लेट्स कंटिन्यू विद मी। तो गाइज ये जो पूरा आप सेक्शन देख रहे हैं ये है बीन्स और कट वेजिटेबल्स का। इसमें बीन्स भी मिलते हैं, साथ में बेरीज भी मिलती हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। हरी मटर भी आराम से मिल जाती है फ्रोज़न और इसका प्राइस होता है 89 सेंट्स। और मोस्ट ऑफ़ द जो कट वेजिटेबल्स और बीन्स यहाँ पर मिलते हैं और मोस्ट ऑफ़ द पैकेट्स का प्राइस जो है 1 यूरो से 2 यूरो तक है और प्राइस जो है वेट के अकॉर्डिंग भी चेंज होता रहता है। तो ये देखिए आप यहाँ पर कॉर्न भी अवेलेबल है, अगर कॉर्न की चाट बनानी हो तो यहाँ से ईजिली कॉर्न को पिक कर आप चाट बना सकते हैं। ईजी टू मेक फ्रेंच फ्राइज़ और बहुत सारे स्नैक्स भी अवेलेबल होते हैं फ्रोज़न आइटम्स, जिनको सिर्फ घर पर जाकर या तो बेक्ड करना है या फिर फ्राई, और ये हो जाते हैं खाने के लिए बिल्कुल रेडी।
गाइस, फिनलैंड में पिज़्ज़ा का बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशन है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा को पसंद करते हैं। हर मॉल में, हर जगह आप देखेंगे कि यहाँ पर पिज़्ज़ा के रेस्टोरेंट्स अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स को बोला जाता है रेवेनतोला। बट पिज़्ज़ा जो है यहाँ पर फ्रोज़न भी मिल जाता है, और बहुत सारे लोग इनको ख़रीदते भी हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से पिज़्ज़ा अवेलेबल हैं। मोस्ट ऑफ द जो हैं वेज भी अवेलेबल होते हैं और नॉन वेज भी। आपको एक बात और भी, यहाँ पर एक्स्ट्रा और रेनबो के प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। जो एस ग्रुप की मार्केट होती है, वहाँ पे एक्स्ट्रा और रेनबो के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और ये प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ते होते हैं। और ये जो है हर चीज़ में प्रोडक्ट मिल जाएगा, चाहे वो आप सोप में लें या फिर जूस वगैरह, सब कुछ मिल जाता है। साथ में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पिज़्ज़ाज भी अवेलेबल हैं, और साथ में बीन्स और बेरीज भी अवेलेबल होती हैं। इन प्रोडक्ट्स का प्राइस भी काफ़ी कम होता है, मैंने यहाँ पर देखा भी है कई बार जब मैं सुपरमार्केट्स को विज़िट करती हूँ। इसके बाद चलेंगे हम बेरीज़ के सेक्शन में, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द बेरीज़ जो है फ्रोज़न अवेलेबल होती हैं, चाहे वो रेसबेरी हो, स्ट्रॉबेरी हो, रॉबर्ट बेरी या ब्लूबेरी, सारी फ्रोज़न में अवेलेबल होती हैं। तो चलिए चेक करते हैं इस पूरे सेक्शन को। आइस भी बिक रही है, इतनी ज़्यादा स्नो, बाहर स्नोफॉल हो रही है, यहाँ पर जो है 1.5 kg आइस भी मिल रही है। और आइस का प्राइस भी देख लीजिए, आइस का प्राइस है 3 euro 45 cents।
बात और भी है, फिनलैंड में कितनी भी बर्फ पड़ जाए, कितनी भी ठंड रहे, बट यहाँ पर 12 के 12 महीने आइसक्रीम भी बहुत बिकती है और बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि खरीदते भी हैं। मैंने तो बहुत बार देखा है कि लोग आइसक्रीम खरीदते हैं और हम लोग ने भी काफ़ी बार खरीदी है और इस टाइम पर भी हमारे फ्रिज में आइसक्रीम अवेलेबल है। और यहाँ देखिए कि आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द ब्रांड अवेलेबल हैं आइसक्रीम के, और साथ में आइसक्रीम में बहुत सारे फ्लेवर्स भी अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, यही था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। सो इफ़ यू लाइक एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू डू अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ऑफकोर्स शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।